पश्चात दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच आज जो जैन टैग के माध्यम से कलर थेरेपी नाखून थेरेपी पे जो अपनी प्रस्तुति करने जा रही है ऐसी सीमा कासलीवाल जी भोपाल, श्री संजय जी कासलीवाल जी भोपाल, जैन टैग्स अध्यक्ष सौ दीपिका बढ़ जाते जय जय गुरुदेव।
आवाज? वो अपने आप, हेलो, हमारे समय है, हेलो, हेलो। कल हमने जो शुरुआत की थी, अभी भी आवाज नहीं आ रही। हेलो, नहीं स्टैंड नहीं चाहिए, वो फिर बोलते नहीं आएगा, माइक हाथ में ही लगेगा। हमको हाथ में पॉइंट्स दिखाना है, तो हाथ में माइक अगर रहेगा तो हम सुविधा से बता सकते हैं। आपको आवाज आ रही है? कल हमने जो किया था हाथ के पॉइंट्स, आप लोग को याद है? थोड़े से सबको याद हो गए होंगे। हम कल कहाँ पर रुके थे, हम उससे आगे अभी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय है। कम समय में हम थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इकट्ठा करना चाहेंगे। कल हम लास्ट, हमारा जो पॉइंट था, हमने कहाँ किया था? सिर दर्द का पॉइंट। सिर दर्द के पॉइंट को हमने लोकेट किया था, स्क्रीन पे बताइएगा। सबको सिर पता है कहाँ है? हमारा सिर तो यहाँ पर है, पर सुजोक का सिर तो हमारे हाथ पे। सिर दर्द होता है तो अब हम यहाँ हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ हाथ लगा के बैठ गए तो सारा वातावरण, घर का वातावरण भी, सब लोग दुखी हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया, क्यों चिंता में डूबी हुई है। तो दूसरों को दुखी ना करते हुए हमारा ये जो पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर दबाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारा सिर दर्द भी ठीक होगा। तो हमारे अगर ये जो दोनों रीजन में अगर सिर दर्द है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है दो पॉइंट्स, तो कहाँ पर आएंगे? आपने पॉइंट्स लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद उसको कैसे प्रेस करके उस पॉइंट को प्रेशर देने से दर्द को रिलीज करना है, ये समझ में आ गया ना? तो अभी हम पहले पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे एक बार फिर से। हर किसी को कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे सिर दर्द होते रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इन व्यक्ति को फ्रंट में सिर दर्द है, सामने, तो सामने कहाँ आएगा? अंगूठा आपने ऐसे पकड़ा तो उसका सामने वाला रीजन, आप एक बार पिक्चर भी देख लीजिए, यहां पर आएगा उसका पॉइंट। अगर हम सामने यहां पर सिर दर्द को दबाएंगे बहुत अच्छे से तो आपका सिर दर्द ठीक होगा। अब सुजोक मतलब हाथ और पांव, तो हमारे पास सिर में एक दर्द हो रहा है, पर अब बस हमारे पास अभी चार सिर है, यह हाथ में है, ये हाथ में है, और आपके दोनों पांव में भी सिर के पॉइंट्स है। तो जहां पर आप दबा सकते हैं, जहां आपको दर्द हो रहा है, आप चारों पॉइंट लीजिए, जिस पॉइंट में ज्यादा प्रेन है आप उसको प्रेशर देंगे तो जल्द से जल्द आपके सिर दर्द में रिलीज होगा। यहां तो एक ही सिर है, पर यहां पर हमारे पास चार चार सिर है। स्लाइड चेंज करेंगे। अब हम देख रहे हैं इनको पीछे, सिर के पीछे वाले हिस्से में सिर दर्द है। कई लोगों को कहीं कहीं चेंज होते रहता है। पीछे वाला भाग, जैसे मैंने कल बताया था, गोरा भाग सामने आता है और काला भाग पीछे आता है, और वो शरीर का पीछे वाला भाग है, तो यहां वार कहां आएगा? अंगूठे का ये पीछे वाले एरिया में। तो आपको कहां दबाना है, आप वो चित्र में एक बार अच्छे से देख लीजिए, वहां पॉइंट दिया हुआ है। तो हम इस हिस्से में नाखून से नीचे, ये हमारा सिर दर्द का पॉइंट है, उसको वहां अच्छे से प्रेशर देंगे और चारों जगह हाथ और पांव, तो आपका सिर दर्द का पॉइंट कवर होगा। अगला साइड। अब हम सिर दर्द का पॉइंट आपने समझ लिया, कहां कहां सिर दर्द होते हैं। अब हम उसके आगे चलते हैं, सर्वाइकल। आजकल हर महिलाओं को, हर पुरुष को, हर बच्चे को सबसे ज्यादा दर्द है तो गर्दन का है। क्यों है गर्दन का दर्द? क्योंकि पूरे समय शास्त्र अध्ययन तो नहीं करते हैं, कंप्यूटर में बैठे बैठे गर्दन झुका झुका के अपना गर्दन में दर्द स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो गर्दन दर्द के पॉइंट आपको क्या बताया था, जब ये सिर है तो सिर के जो फर्स्ट जॉइंट है थंब का, वहां पर आपके क्या आएंगे? गर्दन के पॉइंट्स आएंगे। सर्वाइकल होते हैं वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल होते हैं, तो वो आपके फर्स्ट जॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट जॉइंट पे आपके सर्वाइकल के पॉइंट्स आएंगे। तो आपने फर्स्ट जॉइंट पे अगर अपने पॉइंट्स को लोकेट किया, वहां उसको दबाया, प्रेस किया, तो आपका गर्दन दर्द ठीक होता है। गर्दन दर्द में 7 वर्टिब्राज होते हैं, पर 1-4 में आपको दर्द नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द होता है 4 के बाद, 5, 6, 7 वर्टिब्राज में ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी गर्दन वहां से ज्यादा झुकती है। तो जहां से झुकती है वो है 5, 6, 7 वर्टिब्रा। तो 5, 6, 7 वर्टिब्रा आपकी
आपकी नीचे आएगी। ये माइक नहीं चल रहा, एक हाथ हमारा। हेलो, ये आपके सर्वाइकल बिल्कुल सेंटर में आएगी। जैसे आपने बताया था स्पाइन हमारी एकदम सेंटर में, शरीर के बीच के बीच। तो ये हमारा जब सिर है, सिर के एकदम सेंटर में हमने लाइन खींचेंगे तो ये आपके सेवन सर्वाइकल आ गए, वर्टिब्रास बिल्कुल यहाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है तो आपका सर्वाइकल का दर्द ठीक होगा। और सर्वाइकल हमारे पास चार चार है, दोनों हाथ में और दोनों पाँव में भी है। पर सर्वाइकल के पॉइंट और ऊपर वाले एरिया के पॉइंट अगर हम हाथों में अच्छे से दबाएं तो हाथों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और कमर दर्द के पॉइंट्स अगर हम पाँव में दबाएं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि हमारी नसें सर्वाइकल की हाथों से जुड़ी हुई है और नीचे लंबर एरिया की नसें हमारे पाँव से जुड़ी हुई है। अगर हम पाँव पे कमर के पॉइंट्स देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। थोरेसिक स्लाइड दिखाना प्लीज। तो हम देखेंगे कि जैसे उनको पीछे स्पाइन में थोरसिक एरिया में पेन है, सर्वाइकल के बाद थोरसिक वन से लेके थोरसिक एट एरिया रीजन में, जो ऊपर वाले रीजन में आपको दर्द बताया है, वो वाला हिस्सा हमारा यहां पर आएगा। रेड पेन, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, यहां से यहां तक आपका थोरसिक एरिया का रीजन आ रहा है। तो जिस किसी को भी इस हिस्से में दर्द है जैसे कि उस पिक्चर में दिखाया है, तो हमको यहां पर दबाना है, चाहे हाथ हो चाहे पाँव हो, आपके वो सारे पॉइंट्स इस हाथ में आएंगे। और आगे इसको कैसे स्टिमुलेट करना है हम थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। स्लाइड चेंज करेंगे तो थोरसिक के पॉइंट्स अब हम समझ गए हैं। उसके बाद हम आते हैं आंखों के ऊपर। जैसे हमने आपको बताया था ये आपका थंब है, थंब में आपकी यहाँ पर आंखें आएंगी। जैसा हमारे चेहरे की चौड़ाई है, ऊपर हमारा इतना चौड़ा माथा है तो माथे के लिए हम उतनी चौड़ी लाइन ऊपर छोड़ देंगे। आईज ऊपर बनाओ, आईज। तो नीचे यहाँ पर आपकी दो आंखें आएंगी, तो ये आपके आंखों का पॉइंट है, ये आपकी आंखें हैं। और आंखों में अगर दर्द हो तो आप यहाँ पर प्रेशर पॉइंट लगा सकते हैं। और मोस्टली कभी कभी क्या होता है, हमारे आंखों में जलन होती है बहुत ज्यादा लैपटॉप मोबाइल से, बहुत आंखें इतनी दर्द करने लगती है, जलन होती है, फिर भी हम ये चीजें छोड़ते नहीं हैं। जलन होती है तो हम इसमें कलर थेरेपी के द्वारा हम उसको ठंडक पहुंचाएंगे ब्लू कलर लगा के। कलर की अपनी एक एनर्जी होती है, ब्लू कलर या ब्लैक कलर, जैसे रात को अंधेरा होता है धीरे धीरे ब्लू कलर और ब्लैक कलर होता है आसमान का, तो वो क्या देता है, ठंडक देता है शरीर को। तो वो कलर जो है वो अगर हम आंखों पे लगाएंगे ब्लू कलर, तो तुरंत हमारे आंखों को ठंडक मिलेगी। पर हम जब कलर अप्लाई करते हैं इस पॉइंट्स पे तो हमें इंटेंशन भी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं कलर लगा के। तो मन में भी ये आप थॉट डालेंगे कि मैं अपने आंखों को ठंडक पहुंचा रहा हूं ब्लू कलर लगा के, तो आपके आंखों में ठंडक मिलेगी। इंटेंशन भी चाहिए, कलर जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आप इंटेंशन डालेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका माइंड उसको अच्छे से ग्रहण कर लेगा। तो हमारे पास आंखें कितनी हो गई, इस हाथ में भी है, लेफ्ट हैंड में भी है, राइट पाँव में भी है, लेफ्ट पाँव में भी है। अब हमारे पास चार पॉइंट्स हो गए आंखों के। स्लाइड चेंज करेंगे। नाक का पॉइंट, आजकल आए दिन आजकल सब लोग बहुत एसी में और पंखे में रहते हैं, तेज हवा में रहते हैं, तो सबकी आए दिन नाक बंद होती है, होती है कि नहीं, कभी लेफ्ट नोस्टिल बंद होती है कभी राइट नोस्टिल बंद होती है। वैसे तो नाक बंद होने की ढाई ढाई घंटे का समय है, एक नाक ढाई घंटे बंद होती है, एक नाक ढाई घंटे बंद होती है, ईडा पिंगला नाड़ी होती है, जब दोनों चलती है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। पर अगर नाक बंद हो गई आपकी, आप बेचैन हो रहे हो, तो ये जो नाक का पॉइंट है, चेहरे पे सबसे उठा हुआ पॉइंट कौन सा है हमारे चेहरे पे, नाक। उभरी हुई दिख रही है, आप अंगूठे को देखिए, अंगूठे में कौन सा हिस्सा थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, खुद के अंगूठे को आप देखिए, वो आपका नाक का पॉइंट है। खुद के अंगूठे को आप देखिए, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, वो आपका नाक का पॉइंट है। और उसको अच्छे से अगर प्रेस करेंगे, प्रेस करके देखो उसमें प्रॉब्लम, उसको हम अगर अच्छे से प्रेस करें सिर्फ उस एरिया को, अगर राइट नोस्टिल बंद हो रही है
तो हम इस वाले पॉइंट में हम प्रेस करेंगे अच्छे से, दो नाक बनाएंगे। इसमें भी लेफ्ट नोस्टिल और राइट नोस्टिल है, हम अगर इस तरफ से अच्छे से प्रेस करेंगे, अगर लेफ्ट राइट आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आप दोनों पॉइंट को अच्छे से प्रेस करेंगे एक मिनट तक, तो आपकी बंद नाक खुल जाएगी। जितना आप अच्छे से प्रोब से, बहुत अच्छे प्रोब नहीं भी हो आपके पास, पेन है, पेन से हम उस नाक को अच्छे से दबाएंगे। यहाँ नाक की दबाने की बजाय हम अंगूठे के अगर उस नाक पर हम दबाएंगे तो आपका नाक बहुत अच्छे से खुल जाएगा। ये बहुत बहुत इफेक्टिव पॉइंट है और बहुत बार आजमाया हुआ है, 100% रिजल्ट है। अगर हम इसको अच्छे से प्रेस करें तो आपकी बंद नाक खुल जाएगी, तो आपको नाकों में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। नाक में कलर, कलर थेरेपी के हिसाब से जब अगर आपकी बहुत नाक बह रही है तो हमको क्या होता है, स्टीम लेने से बहुत अच्छा लगता है, भाप लेने से अच्छा लगता है, थोड़ा गरम गरम चीजों से अच्छा लगता है। तो गरम की एनर्जी किस कलर में है, गरम की एनर्जी है लाल कलर में। लाल कलर की एनर्जी क्या होती है, शरीर को गर्मी देती है। तो हम अपने नोज टिप पर, रेड पॉइंट, नोज टिप पर रेड कलर लगाएंगे। अपने पास चार नाक हो गए हैं, लेफ्ट राइट और दोनों पांव पे, तो हम रेड कलर लगा देंगे। छोटे बच्चों को भी ये, हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चों को भी हम ये सिंपल कलर थेरेपी लगा सकते हैं। छोटे बच्चों की, 1 महीने बच्चों की नाक बंद होती है तो अपने हाथों से, हल्के हाथ से तेल लगा के आप इस पॉइंट पर मसाज करेंगे तो छोटा बच्चा भी आराम से सांस ले सकेगा, क्योंकि बच्चे को हम दवाई देना नहीं चाहते और ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। आप प्रेशर अपने भाव से उसको अच्छे से देंगे तो बंद नाक खुल जाएगी। सेकंड स्लाइड, अब आगे की स्लाइड हम देखेंगे। हाथ, नाक जो है हमारा सेंटर में है, हम क्या, दोनों हाथ पे आप लगा लीजिएगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ पे और दोनों पाँव पे, हम चार नाक पे ट्रीटमेंट कर लेंगे। अब आपके कान के पॉइंट्स, कई लोगों को कान में दर्द होता है, कान में आवाजें आती हैं या कान बंद हो जाता है। अब कान हमारे शरीर में कहां पर है पहले आप देखिएगा। कान आपके शरीर में बिल्कुल यहाँ साइड में है, साइड में मतलब एक होमोहेट्रो लाइन होती है शरीर में, एक गोरा हिस्सा है हमारे शरीर का और पीछे से काला हिस्सा है। तो उस काले और गोले हिस्से की जो सेंटर की लाइन है वहां पर हमारा कान होता है। तो जस्ट जहां शरीर पे आपका कान है, अंगूठे में भी कान का पॉइंट आप मार्क करिए, अंगूठे में भी आपके कान का पॉइंट आप उस फिगर में भी देखिए प्लीज। आप एग्जैक्ट होमोहेट्रो लाइन बोलते हैं, ये काला और गोरा हिस्सा आपको दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, उसके सेंटर में कान का पॉइंट आता है। उस कान के पॉइंट को हम उस प्रोब से, पेन से, पेंसिल से अच्छे से अगर हम दबाएंगे तो आपका कान, बंद कान भी खुल जाएगा। तो कान के पॉइंट्स आप लोकेट हो गए। सेम हमारा जो चेहरा है वो यहाँ पर आपको उतारना है आपके अंगूठे पर, ये मिनी सिस्टम है, आपके अंगूठे पर उतारना है और वहां पर वो पॉइंट को आपको ढूंढना है, तो हमारे कान का दर्द भी आराम से ठीक हो सकता है। तो कान भी हमारे पास दोनों हाथ और दोनों पांव में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। स्लाइड चेंज करेंगे। अब देखिए सबको लोअर बैक पेन, कमर दर्द, ये है लंबर 1 से लेके लंबर 5 वर्टिब्रा तक। मैक्सिमम लोगों को आजकल कमर दर्द हो रहा है क्योंकि पोस्चर सब लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे, पलंग पर बैठे बैठे सब लोग आजकल पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, बच्चे हैं, दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो सबका लोअर बैक एरिया लंबर 1 से लेके कान के लिए हम अभी कलर नहीं अप्लाई करेंगे। में एनर्जी रिलेटेड नहीं पेन होता है, यहाँ तो टिनिटस होता है जिसमें टिंगलिंग सेंसेशन होता है या आवाजें आती है, तो वो एडवांस लेवल है, कान में अभी कलर नहीं अप्लाई करेंगे। कमर दर्द में जैसे लंबर एरिया लंबर 1 से लेके लंबर 5 तक हर किसी को दर्द होता है क्योंकि पोस्चर से रिलेटेड। तो कमर का दर्द देखिए और कमर के पॉइंट्स हमने कल आपको कहां बताए थे, जो स्पाइन बनाई थी हमने, दोनों पांव के बीच में आपकी कमर होती है। हाथ ऐसे रखना, यहां बनाओ, दोनों हाथों के बीच में आपका ये जो कमर का पॉइंट है यहां पर आएगा। ये जो बीच की हड्डी है, ये जो खाली जगह है, आप अपने हाथों पे लोकेट भी कीजिए, ये जो खाली जगह है वहां पर आपको अच्छे से दबाना है। जितना आप यहाँ पर अच्छे से दबाएंगे तो आपके लंबर के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके कमर के पॉइंट्स इस हाथ में भी है, इस हाथ में भी है और आपके दोनों पांव में भी है,
कमर के पॉइंट्स पांव में बहुत ही इफेक्टिव है। आपको कमर के पॉइंट समझ में आए, कमर का, क्योंकि सबको बहुत जरूरी है। ये देखिए आपका इस हाथ में कमर के पॉइंट्स, और अच्छे ये जो बीच में जो गड्ढे हैं, यहां पर सारे वर्टिब्रास बने हुए हैं, लंबर वन से लेके लंबर फाइव तक। आप कुछ नहीं कर सकते, तो सिंपल अपने हाथों से ही उसको दबाइएगा और उसको प्रेस करिए। या हम यहाँ पर मूंग या मेथी दाना की स्ट्रिप भी बना के हम वहां लगाएंगे तो हम उस पॉइंट को प्रेशर दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। घुटने के पॉइंट पर अभी हम आते हैं। कमर के बाद लंबर वन से लेके लंबर फाइव वर्टिब्रा के पॉइंट्स दब गए। उसके बाद होता है कॉसिक्स, या नीचे टेल बोन होती है। आए दिन आजकल लोगों को टेल बोन में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और टेल बोन में जिसको दर्द होता है उसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, बस रेस्ट करो, क्योंकि उस व्यक्ति को नीचे बैठते भी नहीं आता है। टेल मतलब जब आप बैठते हैं वो नीचे की हड्डी आपको गड़ती है। तो मैंने आपको बताया था ये दो आपके बटक्स है, ये जो बटक्स है और टेल, उसके एकदम नीचे ये वाला पॉइंट है आपका टेल बोन का, नीचे बिल्कुल इस हिस्से में आप दबाएंगे तो आपके जो टेल बोन है वो भी बहुत अच्छे से प्रेस होगी। और सबको दिखाना, स्लाइड चेंज करेंगे। उसके हेमोराइड्स, उसके पहले पाइल्स की प्रॉब्लम, ये जो आपने कमर का समझ में आ गया आपको, आप प्लीज ये जो कमर के पॉइंट से पूरा नीचे तक जाएंगे तो टेल बोन तक आपका कॉसिक तक तैयार हो जाएगा। और आजकल सबको पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोग बहुत गरम गरम चीजें, मिर्च मसाले अचार ये सब चीजें खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो सबको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है। और पाइल्स का आप लोग सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और ऑपरेशन कराते हैं, पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके बाद फिर दोबारा आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसका सिंपल और 100% इफेक्टिव इलाज है कि आप पाइल्स सबसे नीचे होते हैं, ये आपके दो पाव है। कई लोगों को पाइल्स का बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट, यहाँ से ऊपर तक का एक सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर है, तो पाइल्स में यहाँ दर्द होता है। तो हम इस हिस्से को एकदम नीचे, पूरा उंगली के नीचे यहाँ पर हाथ से बहुत अच्छे से प्रेशर देंगे, पेन से हम बहुत अच्छे से दबाएंगे, तो आपका क्या होगा, पाइल्स का दर्द यहां से यहां तक हम अच्छे से एरिया को, छुपा हुआ एरिया में होता है पाइल्स का, होता है छुपा हुआ एरिया जो किसी को दिखाई नहीं देता। तो हमारे उंगली में नीचे जो छुपा हुआ हिस्सा है बिल्कुल यहां पर, तो आप हाथ से यहां पर एक मटर का दाना लगाइए और यहां इसको आप प्रेस करते रहिए अंदर तक, क्योंकि पाइल्स ऊपरी ऊपरी नहीं होता है, बहुत डीप में होता है, तो थोड़ा अंदर डीप पॉइंट जाएगा आपका। तो थोड़ा अच्छे से डीप में आप यहां पर दबाएंगे तो आपके पाइल्स में बहुत ही आराम मिलेगा आपको। छोटे बच्चों को भी पाइल्स होते हैं? नहीं, हाँ, ये आपका पाइल्स में, आप ये अगर जितना प्रेशर देंगे आपके पाइल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 2-4 दिन पर आपको समय लगेगा, आप उसको समय दीजिएगा तो उससे बिल्कुल आपका पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। स्लाइड चेंज करेंगे। अब आगे चलते हैं। सबको मैक्सिमम आजकल नींद की प्रॉब्लम बहुत है कि नहीं? क्यों नींद की प्रॉब्लम है? धीरे धीरे हमने ही अपनी नींद को खत्म कर लिया है। किससे खत्म किया? लेट नाइट तक आजकल सब लोग अध्ययन तो नहीं करते हैं, टीवी जरूर देखते रहते हैं, उसमें सीरियल देखते रहते हैं, तो आपका मन चारों दिशाओं में भटकता है, फिर आपको नींद तो आ ही नहीं सकती। और स्वयं धीरे धीरे हम अपनी नींद को कम करते हैं और बाद में नींद आपको छोड़ के चले जाती है, और फिर आप उसको बुला बुला के थक जाते हैं पर वो आती नहीं है। तो आप टेंशन में, नींद नहीं आती, करवटे बदलते रहते हैं, और जितना टेंशन बढ़ते जाता है उतनी नींद आपसे दूर दूर भागते जाती है। तो नींद के पॉइंट्स बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फुल स्लाइड दिखाना। नींद के पॉइंट्स, सबसे पहले आपको हमारे जो ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं यहां पर जो स्लाइड्स में आप देखें, सर्वाइकल के पॉइंट्स दबाना है, ब्रेन के पॉइंट दबाना है, क्योंकि जब तक आपकी गर्दन रिलैक्स नहीं होगी, यहाँ का जो टेंशन है, गर्दन का जो टेंशन है जब तक रिलैक्स नहीं होगा, माथे का टेंशन जब तक रिलैक्स नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी।
तो कम से कम जिसको नींद नहीं आती, जो दवाइयों पर है, वो डेली अगर सिर्फ 15 मिनट इस पॉइंट को प्रेशर करने के लिए दें, तो उनकी नींद की दवाइयां छूट सकती है और उनको नींद अच्छे से आ सकती है। पर उसके दो चार पॉइंट है, वो सारे पॉइंट आपको दबाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ऊपर जो ब्रेन का पॉइंट है, क्योंकि वहीं से आपका हार्मोन सीक्रेट होता है, और आपके सर्वाइकल के पॉइंट है, उसको भी आपको दबाना है, पर दोनों हाथ दोनों पांव में। सेकंड स्लाइड। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट है किडनी के पॉइंट्स। किडनी भी आपको नींद लाने में मदद करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, किडनी आपके शरीर में पीछे के हिस्से में दिखाई देगी, तो किडनी आपके पॉइंट्स बैक साइड में आएंगे। सेंटर में आपकी स्पाइन है, और ये जो सेंटर में स्पाइन है, एग्जैक्ट उसके दोनों उंगलियों के बीच में यहां पर आपका किडनी का पॉइंट आएगा। जैसे शरीर में होती है, वैसे ही हमारे हाथों में किडनियां हैं, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी। तो यहां पर आप राजमा सीड लगा सकते हैं, और यहां पर किडनी के पॉइंट को भी आप स्टिम्युलेट करेंगे नींद के लिए, तो आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि किडनी हमारा नींद को कंट्रोल करते हैं। शरीर में आप चित्र में देखिए, धीरे धीरे ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम दबाएंगे। तो सिर्फ कितनी देर देना है, आप एटलीस्ट 5 मिनट का समय तो दीजिए, सुबह दोपहर शाम रात, दिन में 4 बार। दवाइयां 4 बार खानी पड़ती है दिन में, वैसे दिन में 4 बार हम ये सर्वाइकल, ब्रेन, किडनी और एक पॉइंट है उसका, हम चारों पॉइंट अगर हम दिन में 4 बार 5-5 मिनट दबा ले बैठे बैठे कभी भी, तो आपका नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लोकेट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपके इस एरिया में भी आप स्टिम्युलेट करेंगे नींद के लिए, क्योंकि पेट से भी नींद का संबंध होगा है। पेट स्वस्थ तो सब स्वस्थ, गैस वगैरह सब आपकी रिलीज होगी, तो नींद में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चौथा पॉइंट है, आपको यहां पर भी दबाना है, अच्छे से दबाना है। जहां पर जिस पॉइंट में ज्यादा पेन होता है, आप उसको थोड़ा अच्छे से दबाइए फिर छोड़ दीजिए। तो आपके पॉइंट्स नींद के कौन कौन से हो गए हैं, एक तो पीछे सर्वाइकल, ये ब्रेन रीजन, ये आपका किडनी, और ये चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका नींद में बहुत ही आराम मिलेगा। पर आपको क्या करना है, रोज दबाना है। जैसे हम रोज यहाँ पर आते हैं, आचार्य श्री के प्रवचन सुनते हैं, साथ में आप अपने पॉइंट्स को भी बैठे बैठे दबाएंगे तो भी आपको आराम मिलेगा। जब भी आप टीवी देखते हैं तब अपने पॉइंट्स को दबाइए। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब नींद के पॉइंट के बाद कई बार होता है, हम मसाज थेरेपी के बारे में एक बार बताएंगे। कई बार होता है, हम जिसको कार में चलते हैं या गाड़ी में चलते हैं, उनको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, उल्टी जैसा लगता है, या आप कहीं चढ़ाई चढ़ते हैं तो आपको उल्टी जैसा लगता है, या कई बार होता है कुछ हम अच्छा नहीं खाते हैं, खाने के बाद ही हमको वॉमिटिंग जैसा लगता है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रेशर देंगे। हमने जैसा बताया, आपका चेहरा है, ये गर्दन है, खाना अगर आपका बाहर आ रहा है, अब हमको उसको अंदर धकेलना है, तो हम मसाज करेंगे। यहां से नीचे थंब से लेके नीचे तक आप ऐसे मसाज करेंगे और छोड़ देंगे। ऊपर से नीचे जाएंगे छोड़ देंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे छोड़ देंगे, जितना देर तक आप करेंगे, आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपको करना हो, आपको बस ऊपर से लेके नीचे तक मसाज करनी है, छोड़ देना है, वापस ऊपर नहीं लाना है हाथ को, ऊपर से नीचे। तो आप क्या कर रहे हो, पूरा उसको नीचे धकेल रहे हो। तो आपको मसाज कैसी करनी है, ऊपर से नीचे, ऊपर से मतलब यहां से नीचे धकेलना है, क्योंकि कोई भी चीज यहां से बाहर आ रही है, तो आपको इधर से नीचे धकेलना है, इधर से नीचे, तो आपने डायरेक्शन देखा, आपको यहां से यहां नीचे प्रेस करना है। जितना आप प्रेस करेंगे उतना आपको वोमिटिंग सेंसेशन में रिलीफ मिलेगा। और ये एक चीज में काम आता है, किसमें, हाई बीपी जब हो जाता है, हमें घबराहट होती है, बीपी हाई होता है तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई बीपी में भी सेम मसाज थोड़ी देर तक करेंगे, तो आप 5 मिनट में ही आपका जो बढ़ा हुआ बीपी है, बहुत अनइजी लगता है, तो आप थोड़ी देर में आपका वो सबसाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक
ऊपर से नीचे तक मसाज करना है और छोड़ना है, तो ये किस किस चीज में काम आएगा? एक हाई बीपी में और एक वोमिटिंग सेंसेशन में, ये दोनों मसाज पर डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है ऊपर से नीचे। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप उल्टा करेंगे तो अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट, उसके और एक बात है, उल्टा और एक, हाँ ये वाला उल्टा मसाज। उल्टा मसाज कब काम आएगा? कई बार होता है कि हमको ओवर ईटिंग होती है या उल्टी करने का मन होता है पर नहीं हो रहा है, अटक जाता है, या आपको कफ हो जाता है। कई बार लोगों को छाती में कफ जमा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलता, कफ को बाहर निकालना पड़ेगा ना। आप खांस खांस के बाहर निकालते हो, उल्टी करके बाहर निकालते हो, नहीं निकल रहा है। तो अब हमको डायरेक्शन मसाज कैसे करेंगे? नीचे से ऊपर, लंग्स से नीचे से ऊपर को कफ को धकेलेंगे। तो कफ कहाँ जमा होता है? आपके लंग्स में। तो लंग्स कहाँ है आपको हमने बताई थी, रेड पेन से लंग्स पिक्चर में आपको दिखाई है, देखो दो लंग्स बने हुए हैं, कल हमने बनाया था। लंग्स आपके, ये हेड है, नेक है, यहाँ पर सेंटर लाइन है, ये आपकी लंग्स है। तो यहां से क्या करना है, ये लंग्स में से पूरा चारों तरफ से ऐसे धकेल धकेल के ऊपर निकालना है कफ को, अच्छे से धकेलो पूरा ऊपर निकालो, धकेलो पूरा ऊपर निकालो। तो क्या होगा, जो कफ इकट्ठा हो गया, बलगम इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे ऊपर ऊपर धकेल के आपके मुंह के थ्रू कफ आपका बाहर आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कब तक निकालना है, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। अच्छा लगा पहले ही साथ में, अब ये हाथ आपका दुख गया तो आप ये हाथ यूज करिए, हमारे पास बहुत सारा हाथ है, इसको यूज करें, नहीं तो हम, वैसे कफ सर्दी जुखाम को हाथ बहुत इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, कफ निकालना है तो ये मसाज किया, वोमिटिंग करना है तो ये, और एक चीज में ये काम आता है, किसमें? लो बीपी में। जब आपका बीपी लो हो जाता है तो क्या होता है, चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं। अब चक्कर के लिए, बीपी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मसाज है हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेन में ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा पहुंचाना है, यहां से यहां प्रेशर देंगे, 2 से 3 मिनट तक आपका ब्लड प्रेशर आपको अच्छा लगेगा, नॉर्मल में आ जाएंगे। तो आप क्या करना है, बस ऊपर जाओ छोड़ दो, यहां से ऊपर जाओ छोड़ दो, नीचे नहीं लाना है, यहां से। हाई बीपी में कैसे मसाज बताई थी, ऊपर से नीचे, मतलब सिर से नीचे तक, और लो बीपी में नीचे से ऊपर तक। ये आप डायरेक्शन का आप ध्यान रखिए हमारे शरीर के हिसाब से। तो जितना हम दबाएंगे 2 मिनट में आपका बीपी क्या होगा, सबसाइड हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, आपको चक्कर भी आपके रुक जाएंगे। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड। अब टाइम फास्ट, एक रिंग दिखाना, हमारे पास समय की कमी है, अब हम थोड़ा फास्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट है तरीका अब ये रिंग मसाज, ये बहुत मैजिक रिंग है, हम शरीर में इससे सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हैं। हमने बताया था आपको घुटने का पॉइंट, आपके घुटने कहाँ आएंगे, चलिए इसमें कवर कर रहे हैं हम सारे पॉइंट्स। एक बार मैं फिर से फटाफट रिवाइज कर रही हूँ, घुटने के पॉइंट्स कहाँ बताए थे, ये दोनों जॉइंट क्या हो गए आपके, बीच के जोड़ घुटने हैं। हर किसी को, जिसको भी घुटने में दर्द है, ये रिंग घुटने में ले जाइए, इतना बड़ा घुटना दबाने से हमारे पास ये है, यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको चलाइए चारों तरफ से, करीब 1 मिनट तक आपका पूरा अच्छे से लाल हो जाएगा। इतना अच्छे से आप मसाज करेंगे आपके घुटने में आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट तक करना है पूरा आगे पीछे से। तो ये क्या हो गया आपका, ये 2 घुटने हो गए। एंकल में दर्द है तो कहाँ है एंकल के पॉइंट्स, ये ऊपर के दोनों एंकल, उसमें आप रिंग चलाइएगा, ये हो गया एंकल जॉइंट, जॉइंट यानी जहां बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, इस जॉइंट में आप चलाएंगे तो क्या हो गया आपका, एंकल जॉइंट में आराम मिलेगा। आपका एल्बो जॉइंट, सबको टखने में दर्द हो रहा है आजकल, कहाँ आएगा, ये बोथ टखने आपके, ये 2 हाथ बताए थे, ये बीच के जॉइंट क्या हो गए आपके, एल्बो जॉइंट हो गए। तो यहाँ क्या करना है आपको, ये रिंग चला के बहुत अच्छे से प्रेशर करना है, रिंग मसाज चलाना है। सर्वाइकल के पॉइंट आपको बताए थे, यहाँ पर आपका सर्वाइकल है, ये रिंग सर्वाइकल में बहुत इफेक्टिव है। आप क्या करेंगे, ये रिंग को पूरी उंगली में बहुत अच्छे से चलाइए तो आपके गर्दन में बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। तो आप जितना फास्ट रिंग चलाएंगे उतना है, हमारे पास बड़े भी रिंग आते हैं पर आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। समय की कमी है, हम थोड़ा और आगे तेज चलते हैं।
एसिडिटी, अभी एसिडिटी के पॉइंट आगे जाते हैं। ये जो है आपका ब्लैक कलर हम एप्लीकेशन करते हैं किसमें, हाई बीपी जब हो जाता है आपको, बीपी जब हाई होता है तो दिमाग में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जब दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको ठंडक पहुंचानी पड़ेगी। और आपके पास ब्रेन कहां पर है, यहां पर है, और बाकी इस फिंगर में भी ब्रेन है, वो इंसेक्ट सिस्टम के हिसाब से आपके ये सारे टिप्स पे भी ब्रेन के पॉइंट्स आते हैं। तो सारे टिप्स पे, थोड़ा और चौड़ा, सारे टिप्स पे हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर लगाएंगे, तो इससे आपका क्या होगा, बीपी कंट्रोल में आएगा। ये ब्लैक कलर और किस चीज में काम आता है, बुखार में, छोटे बच्चों को, दो दिन का तीन दिन का बच्चा हो उनको बुखार आए तो सिंपल ये ब्लैक कलर आप लगाइएगा, उसको बुखार में बहुत रिलीफ मिलेगा, बुखार उतर जाएगा। तो बुखार के लिए आपको ब्लैक कलर कहाँ कहाँ लगाना है, ये सारे टिप्स पे, दोनों हाथ और दोनों पांव पे, तो इससे बुखार कम हो जाएगा, हाई बीपी कम हो जाएगा, और नींद नहीं आती है जिसको, वो भी अगर ब्लैक कलर लगाएंगे तो नींद में भी रिलीफ मिलेगा। तो बुखार किस किस में ब्लैक कलर लगाना है, नींद में, बुखार में और हाई बीपी में, ये ब्लैक कलर सारे टिप्स पे आपको लगा के रखना है। पर कलर थेरेपी जो है दिन में काम करती है, क्योंकि उजाले में सारे कलर्स अलग अलग दिखते हैं और अंधेरे में सारे कलर एक जैसे दिखते हैं। तो जब तक आप उजाले में कलर लगाएंगे तभी वर्क करेंगे, अंधेरे में कलर लगा के वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे टिप्स, हार्ट पॉइंट, ये देखिए हार्ट, बड़ा हार्ट बना, हार्ट पॉइंट आपको मैंने बताया था दो लंग्स के बीच में हार्ट आता है, तो आपके हार्ट का क्या काम है। अब हार्ट तो हम यहां नहीं दबाएंगे, ऐसे हार्ट शेप में हमने हार्ट बनाया, तो यहां हम हार्ट पे, जिसको लो बीपी हो जाता है, हार्ट पे हम रेड कलर लगाएंगे तो उनका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, और बीपी कंट्रोल हो जाएगा अगर हम रेड कलर लगाएंगे हार्ट पॉइंट पर। हार्ट शेप में आप हार्ट पॉइंट पर रेड कलर लगाएंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में होगा। ऊपर से आजकल लोगों को स्टेज फियर होता है, एग्जाम का फियर होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बच्चों को डर लगता है एग्जाम के पहले पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। उस समय आपको क्या करना है, दो मिनट का टाइम आप सिर्फ हार्ट को प्रेशर करें तो क्या होगा, आपका माइंड स्टेबलाइज हो जाएगा, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। हार्ट और किडनी, ये हार्ट का पॉइंट है, इधर भी एक हार्ट, और ये किडनी का पॉइंट है, आगे पीछे, इधर हार्ट आएगा, इधर किडनी आएगा, तो आप यहां पर बस ऐसे पकड़ के आप दबाएंगे तो दो मिनट में आपका जो है घबराहट, डर, टेंशन खत्म हो जाएगा। आप इसको आजमा के देखिए, सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद इसको प्रैक्टिकल यूज में नहीं लाएंगे, अदरवाइज इस कान से सुना और इससे बाहर निकाल दिया। तो आपको हार्ट और किडनी का पॉइंट दबाएंगे तो आपको जो घबराहट, डर, चक्कर, लो बीपी, इन सब में काम आएगा। एसिडिटी, अभी आगे चल रहे हैं, सेकंड पॉइंट, आप कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी क्यों होती है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की वजह से, लोगों का पेट साफ नहीं होता है, बंद कर दूं, दो मिनट में फास्ट टाइम हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट्स है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन बनाओ, आंत होती है, हम प्रेशर पॉइंट, हमारे शरीर में जो आंत है, ग्रीन, वैसे ग्रीन कलर से बताते हैं, आंत हमारे शरीर में ऐसी बनी हुई है तो हमको इस डायरेक्शन में बस यहां से यहां नीचे पुश करेंगे, यहां से यहां नीचे पुश करेंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होगा। कब करना है, सुबह आप पानी पीते हैं, सुबह उठ के दो मिनट यहां से यहां आप धक्के लीजिए, बस खड़े खड़े आप मसाज कीजिए, इधर उधर घूमिए, उतनी देर में आपका पेट हल्का हो जाएगा। पर आपको मसाज अच्छे से कस के यहां से यहां नीचे धकेलना है तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलेगा। स्लाइड प्लीज, बहुत समय हो रहा है, थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, स्लाइड चेंज, नेक्स्ट। अगर कफ जमा हो जाता है हमारे छाती में तो हम लंग्स पे ऑरेंज कलर लगा सकते हैं, रेड कलर लगा सकते हैं, तो कफ हमारा खत्म हो जाएगा। उसके आगे और है एसिडिटी में, प्लीज फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, एसिडिटी में हमारे पास है पॉइंट्स। एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि पेट में गैस बनने लगती है, एसिडिटी होती है, खाना पचता नहीं है, तो हमने पेट आपका बनाया था, पेट बना, यहाँ पर स्क्रीन में देखिए आपका स्टमक बना है, तो स्टमक के ऊपर हमको क्या करना है, गैस बन गई है ना, उसको ठंडक पहुंचानी है, तो ठंडक के लिए हमने क्या बोला था, ब्लैक कलर लगाएंगे, किस पे, पेट के ऊपर, तो प्लेट में जो आफारे बन रहे थे वो बनना बंद हो जाएंगे। तो आपको स्टमक के शेप का, जहां स्टमक है हमारा, देखो इस चित्र में, ब्लैक कलर, पेट
प्लेट आप बनाएंगे और उस पर ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे तो प्लेट में आराम मिलेगा। ऊपर से हमारा जो लीवर का पॉइंट है, हम लीवर के पॉइंट पर ग्रीन लगाएंगे तो छोटे बच्चों को जो है भूख नहीं लगती है, छोटे बच्चे जो है भूख नहीं लगती है, किसी की डाइट खत्म हो जाती है, ग्रीन स्केच पेन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लीवर पर पूरा ग्रीन कलर लगाएंगे तो उसका क्या होगा, भूख बढ़ जाएगी, खाना अच्छे से हजम होगा, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छे से बढ़ेगा। तो आपको लीवर पॉइंट पे ग्रीन कलर लगाएंगे, नहीं ग्रीन कलर लगाए तो हम प्रेशर से भी उसका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा सकते हैं, तो ये एसिडिटी में भी काम आएगा। अब नेल थेरेपी के बारे में सिंपल चीजें एक बार थोड़ा सा समय लूंगी। जैसे कि हम हमारे शरीर में नेल्स प्लीज, हमारे नाखून होते हैं, आजकल सब महिलाओं को अगर हम सब हॉस्पिटल में सबका टेस्ट करें, किसी को कोई भी बीमारी नहीं है, सिर्फ एक ही बीमारी है मानसिक रूप से। सब बोलते हैं सारे ऑर्गन सब ठीक है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, पर कहाँ दिक्कत आती है, आपके हार्मोनल चेंजेस है। क्यों चेंजेस है, क्योंकि पुराने जमाने में हमारी जी महिलाएं हैं, हमारी आंटियां हैं, मेहंदी लगाती थी तो नाखूनों पे भी मेहंदी लगाती थी, उनके नाखून लाल होते थे तो उनके हार्मोन्स प्रॉपर चलते थे, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले हार्मोन्स, फिगर चेंज करना, सारे उंगलियां और उसके पहले, तो ये जो सारे नाखून है, हर एंडोक्राइन ग्लैंड से एक एक नाखून रिलेटेड है, वैसे वो हार्मोन रिलीज करता है। पर आजकल महिलाएं क्या करती है, मेहंदी भी नहीं लगाती है, नाखून छोड़ के लगाती है, ऊपर से नाखूनों पे काली नेल पेंट लगा देती है, ब्लैक नेल पेंट, ब्राउन नेल पेंट, तो इससे क्या हो रहा है, रेड नेल पेंट हम लगाते हैं तो हार्मोन को रिलीज करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हार्ट के हार्मोन रिलीज करते हैं, और आपने क्या कर दिया, उस हार्मोन को उल्टा कर दिया, आपने सारे क्या लगाए, ब्लैक कलर लगा दिए। तो आप प्लीज कलर नहीं लगाएंगे और नेल को प्रेशर देंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, समय हो रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जब तक हम स्वस्थ कब रह सकते हैं, हमारा जो मानसिक रूप से हम अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं करें, जैन शास्त्रों का, अपने धर्म का अध्ययन नहीं करें, तो हमको मानसिक आहार जब तक हम नहीं देंगे मानसिक शांति नहीं मिलेगी। और शारीरिक रूप से हम अगर जैन धर्म के मुनियों की तरह आहारचर्या का पालन नहीं करें, जैन समाज के हिसाब से जो आहारचर्या का जो पालन दिया है श्रावकों को, वो अगर पालन नहीं करें तो हम स्वस्थ किसी हाल में भी हो नहीं सकते। कोई भी पॉइंट्स दबा लो, हमें स्वस्थता नहीं मिलेगी। जब तक हम ये दो चीज नहीं करते हैं तब तक हम पूर्णतः स्वस्थ नहीं रख सकते अपने आप को। और मैं इसी में अपना यही समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।